हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के चैप्टर 11 यानी कि सोसाइटल इंपैक्ट के पार्ट 6 के बारे में, जो है हमारा ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट्स। अब ये जरूरी नहीं कि आपके बुक के हिसाब से भी चैप्टर 11 हो, बस ये जानिए कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा सोसाइटल इंपैक्ट्स और ये है हमारा पार्ट 6। इसके पहले 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना चुके हैं, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वो आपको मिल जाएंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन सोर्स की फिलॉसफी समझनी होगी, एग्जैक्टली ओपन सोर्स होता क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले ये समझिए कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पब्लिश होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। या तो वो सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, यानी उसके लाइसेंसेस को खरीदना पड़ता है, और दूसरे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हमें फ्रीली अवेलेबल मिलते हैं, जिनका सोर्स कोड, मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जिस कोडिंग को यूज किया गया है, वो कोड भी हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सोर्स, मतलब ओपन सोर्स फिलॉसफी। मतलब सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसको फ्रीली आपको अवेलेबल कराया गया है। सो मींस सॉफ्टवेयर कैन बी इधर लाइसेंस्ड, यानी कि आप इसके लाइसेंस को खरीदेंगे, ठीक है, या इट कैन बी ऑफ फ्री। तो लाइसेंस वाले के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम फ्री सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो क्या कहता है इसमें कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू दोज कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ये उन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर को रेफर करता है या प्रोग्राम्स को हुज लाइसेंसेस, लाइसेंसेस की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, LICENCES, ठीक है, लाइसेंसेस डू नॉट इम्पोजेस मच कंडीशन, यानी कि इनके कंडीशन ज्यादा इम्पोज, मतलब ज्यादा इनके लाइसेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। सच सॉफ्टवेयर गिव्स अस, यानी कि ये वैसे सॉफ्टवेयर हमें देते हैं फ्रीडम टू यूज द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, स्टडी के लिए हम उसमें स्टडी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, हम किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको दोबारा से हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं उसकी कॉपीज, मतलब आप उसको कॉपी करके किसी दूसरे को दे सकते हो ताकि वो भी क्या कर सके, उसको यूज कर सके, ओरिजिनल प्रोग्राम को आप मॉडिफाई कर सकते हो बिना किसी पेमेंट्स के। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली इसी वजह से लाया गया था, क्योंकि पहले जो सॉफ्टवेयर्स बनते थे वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स बनते थे, मतलब उसको यूज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती थी, प्लस अगर आपने पेमेंट करी तो सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते थे, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता था, बहुत तरह की लिमिटेशंस होती थी। तो सॉफ्टवेयर जो था वो बिल्कुल ही, मतलब एक तरह से कमर्शियल पर्पस से ही बनाया जाता था। तो अब क्या हुआ कि दूसरे तरह के जो एक और तबका आया, जो तबका ये बोला कि भाई अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप सिर्फ पेमेंट्स के लिए बना रहे हैं तो ये सही नहीं है, हम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स टर्मिनोलॉजी, जिसके तहत जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे वो सॉफ्टवेयर्स जो है फ्रीली अवेलेबल किए जाएंगे, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, यूज कर सके और टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एडवांसमेंट्स आ सके। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाया गया है, किस कोडिंग का यूज करके बनाया गया है, वो भी हम अवेलेबल करा देंगे, ताकि उस सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस करना कोई चाहे तो आप आसानी से कर सके, और साथ ही साथ उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सके। कस्टमाइज का मतलब होता है कि उसमें जो भी आपको अपने तरीके से चेंजेस करने हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना दिया, जैसे कि एक टेम्पलेट्स होता है, आप देखोगे प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट्स होते हैं, तो टेम्पलेट्स आपको डिजाइनिंग दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट कलर दे देते हैं, परफेक्ट जगह कहां कहां कौन सी चीज आनी चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन टेक्स्ट आपको बाद में डालना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको हर चीज मिल जाएगी, बस आप उसको क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके यूज कर लोगे। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स फिलॉसफी कहते हैं। देयर आर टू टर्म्स विच आर कंफ्यूजिंग, दो टर्म है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, पहले उनके बारे में हम देख लें। पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन दोनों में क्या फर्क है, ओपन सोर्स तो हम जान गए क्या होता है, लेकिन बेसिकली फिर से हम एक बार दोनों को पढ़ेंगे कि फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या कहता है कि फ्री सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली एक्सेसिबल, यानी जो फ्रीली एक्सेसिबल है एंड कैन बी यूज्ड, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट्स, यानी कि वो है ना फ्री 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 वो वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज करने के लिए, जिनकी कॉपी करके दूसरे किसी को देने के लिए, इनके कोड को मॉडिफाई करने के लिए, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको
कोई भी पेमेंट, किसी भी तरह की पेमेंट, पैसा आपको उस कंपनी को नहीं देना होता जिस कंपनी ने इसको बनाया है या जिस इंडिविजुअल ने उसको बनाया है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं रिचर्ड स्टॉलमैन्स डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। उन्होंने ये डेफिनेशन में ये चार चीजें डाली कि इन्होंने रिचर्ड स्टॉलमैन्स ने, ठीक है, क्या डाला। पहला डाला फ्रीडम टू रन नॉट टर्न, ठीक है, फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस, यानी कि फ्रीडम, इनका इम्फेसिस था फ्रीडम पे, फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम को हम रन कर सके किसी भी काम के लिए, फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, कैसे वो काम करता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी प्रोग्राम को जानना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की कैसे काम करता है, तो उसका सोर्स कोड तो आपको होना चाहिए, क्योंकि सोर्स कोड के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। स्टडी कैसे करेंगे अगर आपके पास सोर्स कोड ही नहीं रहेगा, तो आप स्टडी कैसे करेंगे। तो वही है कि फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, यानी कि एक्सेस होना चाहिए आपके सोर्स कोड का, ताकि समझ सके, कोई अगर समझना चाहे तो वो समझ सके कि कैसे वो कोड वर्क एग्जैक्टली करता है। नेक्स्ट थ्री, फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, यानी कि इसकी बहुत सारी कॉपीज, यानी कि सॉफ्टवेयर को वो किसी दूसरे तीसरे चौथे को भी दे पाए। नेक्स्ट लास्ट, फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज न्यू वर्जन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास अगर उसका कोड अवेलेबल है तो उसमें वो जो भी चाहे चेंजेस कर सके, और उसको उसको चेंजेस करने के बाद वो उसका नया वर्जन किसी को भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर सके। मतलब फ्रीडम इन एनी मैनर विदाउट एनी कॉस्टिंग इज कॉल्ड वॉट, फ्री सॉफ्टवेयर, राइट। तो हमने पहला कर लिया जो है हमारा फ्री सॉफ्टवेयर, और जो दूसरा है हमारा वह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज, यानी कि इसको फ्रीली हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, फ्री सॉफ्टवेयर में क्या बताया कि ये फ्री होता है, एब्सोल्युटली फ्री होता है, कंप्लीटली फ्री होता है। ठीक वैसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, करते हैं एग्जैक्टली, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन ये फ्री ऑफ चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, मतलब एक एक्सटेंट तक फ्री ऑफ चार्ज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एक एक्सटेंट तक, ठीक है। लेकिन जैसे हियर द हो गया यहाँ पे, हियर द कंपनी, ठीक है, मे हियर ये कंपनी, द कंपनी दो बार आ गया, हियर द कंपनी मे चार्ज पेमेंट्स, यानी कंपनी क्या कर सकती है, पेमेंट्स चार्ज कर सकती है फॉर द सपोर्ट, किस लिए, सपोर्ट के लिए एंड फर्दर डेवलपमेंट्स। मतलब देखिए, एक सॉफ्टवेयर बना के रखा गया, आप चाहे तो उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको फ्रीली यूज करने के लिए ही डाला गया है। लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर, मान लीजिए वो आपको एक तरह से टेम्पलेट के रूप में डाल दिया गया, वो आपको अच्छा लगा, तो आप उसको एग्जैक्टली तो यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करें और उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स कराना चाहते हैं, उसको अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को पैसे देने होंगे। तो ये भी, इसका भी सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स का नाम ही ओपन सोर्स, तो सोर्स कोड अवेलेबल होता है, बट ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता है, यही बस जानना है। तो फ्री मतलब कंप्लीटली फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब एक लेवल तक जो होता है वो फ्री होता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, उसमें कुछ एनहांसमेंट्स कराना चाहते हैं, एडवांसमेंट कराना चाहते हैं, उसको अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। एक चीज जो जाननी है यहाँ पे कि हियर इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली भी अवेलेबल होता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर में भी फ्रीली अवेलेबल होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी फ्रीली अवेलेबल होता है। मेजर डिफरेंस क्या है, फ्री इज कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्यूटली फ्री, वेयर एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक एक्सटेंट तक फ्री है, बट अगर आप फर्दर डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, राइट। नाउ एक टर्म होता है फ्रीवेयर और एक टर्म होता है शेयरवेयर, ये दोनों क्या होते हैं, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द टर्म फ्रीवेयर इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्रीवेयर हम उसको कहते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, एंड विच अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। और आप जैसे आपने उसको डाउनलोड किया, आप कॉपी करके किसी और को दे सकते हैं, वो किसी और को दे सकता है, तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउड होता है, बट नॉट मॉडिफिकेशन, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। एंड इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। फ्रीवेयर फ्रीली आप यूज कीजिए, जितने लोगों को देना है दीजिए, लेकिन ना ही उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर पाएंगे और ना ही उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरवेयर क्या कहता है, तो शेयरवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, विच इज अवेलेबल विद द फैसिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी इसको आप कॉपी कीजिए और दूसरे लोगों को देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज विद अ लिमिटेशन, एक लिमिटेशन के साथ,
दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लाइसेंस फी शुड बी पेड। यानी कि ये क्या होता है, कुछ दिनों के लिए, जैसे 15 दिनों के लिए फ्री ट्रायल के रूप में आपको दे देगा, 30 दिनों की फ्री ट्रायल के रूप में दे देगा, 2 महीने, 6 महीने फ्री ट्रायल के रूप में दे देगा। लेकिन उस फ्री ट्रायल के खत्म होने के बाद अगर आप उस सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं यूज करना, तो उसके लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। इट इज नॉट फ्री एंड ओपन सोर्स, एज ये ना ही फ्री है और ना ही ओपन सोर्स है। क्यों? पहला, इट्स सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा, मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर आर नॉट अलाउड, यानी ये जो सॉफ्टवेयर होंगे शेयरवेयर, उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं होता है। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, आप यूज तो कर सकते हैं शेयरवेयर को, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बाद आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स, मतलब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है कि वो पढ़े जो प्रिसाइज है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों से मैक्सिमम तौर पे, जैसे हमने क्या पढ़ लिया, हमने OSS पढ़ लिया, हमने OSI नहीं, वीजा कुछ नहीं पढ़ा, बस हमने OSS पढ़ा, इसी से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। इसमें आपको बस सिर्फ ये जानना है कि इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। इनके बारे में अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हो तो क्वेश्चंस उस डेप्थ से नहीं निकलते हैं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस मैक्सिमम जो निकलेंगे वो इनके फुल फॉर्म से ही निकलेंगे, ठीक है। तो OSS का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, FOSS का FOSS, FOSS का फुल फॉर्म फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, FLOSS का फ्री लाइबर या लीवर दोनों होता है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कहीं कहीं अगर ये भी आए तो भी सही है ये वर्ड, या कोई कहीं कहीं ये वर्ड आए तो वो भी सही है। नेक्स्ट है GNU, इसका फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान से सुन देखिएगा, GNU का जी जो होता है उसका ही फुल फॉर्म होता है GNU, GNU के जी का फुल फॉर्म खुद GNU होता है। तो GNU नॉट यूनिक्स, जी से GNU, एन से नॉट, यू से यूनिक्स, ये फुल फॉर्म है। FSF का फुल फॉर्म फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, OSI का फुल फॉर्म ओपन सोर्स इनिशिएटिव, W3C का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, एंड नेक्स्ट लास्ट वीजा। तो जैसे ये GNU है उसी पैटर्न पे वीजा है, GNU का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो खुद GNU को रिप्रेजेंट करता है, वैसे वीजा का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो वीजा को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर I से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, S से क्या हो जाएगा, सर्विस, A से क्या हो जाएगा, एसोसिएशन। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ये सब चीजें नहीं पूछेगी, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली W3C जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, इवन ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यूज से, यानी कि MCQs टाइप के क्वेश्चंस यहीं से निकल के आएंगे। तो ये है सब कुछ फ्री सॉफ्टवेयर या यूं कहिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसके ठीक बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसेंसेस के बारे में, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।